फ्रेंड्स, आज हमने ये गेहूं के आटे से बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनाकर रेडी किया है। फ्रेंड्स, आप भी इस तरीके से बनाइएगा। तो आइए चलिए नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यकीन मानिए ये नाश्ता खाने में इतना टेस्टी है कि आप इसे एक बार बनाएंगे तो आपका बार बार बनाने का मन करेगा। चलते हैं गैस की तरफ। हम आपके लिए फिर से एक बहुत ही आसान और टेस्टी और हेल्दी नाश्ता का वीडियो लेके आए। इसके लिए मैंने ये एक प्याज चॉप करके लिया है। इसको हम हाथों से इस तरीके से इसके रेसे खोल लेंगे ताकि सारे पीसेस अलग अलग हो जाए। ये हमारा लेफ्ट ओवर राइस है और इसको भी अब हम इसके अंदर डाल देंगे। और ये हमने 3 आलू लिए हैं, इसको भी हम डाल देंगे। 2 हरी मिर्चें हमने चॉप करके लिए हैं, इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। और ये हमने थोड़ा सा गेहूं का आटा लिया है। आज फ्रेंड्स, हम ये नाश्ता गेहूं के आटे से बनाकर रेडी करेंगे। हम इसके अंदर अब कुछ मसाले ऐड करेंगे। आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, कुछ आधा छोटा चम्मच सौंफ। सौंफ से इस नाश्ते में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आधा छोटा चम्मच सफेद नमक, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला। अब हम इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमारा एकदम सॉफ्ट सा डो लगकर रेडी हो गया है। अब हम हाथों को धो लेंगे। हम इस तरीके की एक थाली लेंगे, उसके ऊपर सूखा आटा डस्ट करेंगे, लोई को दोनों तरफ से कोट करेंगे और इसको बेल कर रेडी कर लेंगे। ये देखिए, आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, हमने इसको इतना मोटा बेल कर रेडी किया है। फ्रेंड्स, यकीन मानिए ये नाश्ता खाने में इतना टेस्टी लगता है कि आप अगर इसको एक बार बनाएंगे तो आपका बार बार इसको बनाकर खाने का मन करेगा। अब हम इसके पीसेस कट कर लेंगे। हम इसके स्क्वायर पीसेस कट कर रहे हैं। आप अपनी मनपसंद शेप में पीसेस कट करके रेडी कर सकते हैं। ये जो पार्ट हमारा बचा है, इसको हम दूसरी वाली लोई में मिक्स कर देंगे। ये देखिए, हमने सारा नाश्ता इस तरीके से चौकोर पीस में कट करके रेडी कर लिया है। हमने गैस पर ऑयल चढ़ा दिया है। ऑयल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा, इसके लिए हमको तेज गर्म ऑयल को की जरूरत है। ये देखिए, ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब हम इसको फ्राई करने के लिए छोड़ देंगे। हमने अपना नाश्ता सिकने के लिए छोड़ दिया था। गैस की फ्लेम हम बिल्कुल मीडियम कर देंगे ताकि हमारा नाश्ता अच्छे से चारों तरफ से क्रिस्पी सिककर रेडी हो जाए। और हाँ फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर अब पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल पर प्रेस और वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, हम अपने चैनल पर इसी तरीके की नई नई और आसान आसान रेसिपी लाते रहते हैं और आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। अब हम इसको इसी तरीके से सेक कर गोल्डन ब्राउन होने तक, अच्छा सा कलर आने तक सेक कर रेडी कर लेंगे। तब तक हम आपको एक टिप्स और बताते हैं। यदि आप बेलना नहीं चाहते हैं तो लोई को इस तरीके से फैला दीजिए सूखा आटा डस्ट करके, और हाथों से भी आप इसको इस तरीके से पुश करके इसकी शेप रेडी कर सकते हैं। हमारे नाश्ते का कलर कितना सुंदर आया है, फाइनल लुक इसका आप देख सकते हैं कि हमारा नाश्ता देखने में कितना सुंदर लग रहा है। और एक जरूरी टिप्स, हमारा नाश्ता सेक कर एक बैच हो रेडी हो गया, हम इसको प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप इस नाश्ते को बनाने के लिए गेहूं के आटे की जगह चावल का आटा और बेसन भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा एक बैच बनकर रेडी हो गया है। हम इसी तरीके से दूसरा बैच सिकने के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, हमने एक ये सिलेंड्रिकल शेप में भी कुछ पीसेस बनाकर रेडी कर किए हैं। आपको जो शेप पसंद हो, आप उस शेप में इस नाश्ते को बनाकर रेडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यकीन मानिए एक बार आप ये नाश्ता बनाकर देखिएगा, आपको इतना पसंद आने वाला है कि आप इस नाश्ते को बार बार बनाकर खाना पसंद करेंगे। आप ये नाश्ता बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। आपके घर में गेस्ट आए, आप फटाफट 5 मिनट में ये नाश्ता बनाकर रेडी कर सकते हैं। इसी तरह हम सब पूरा नाश्ता अपना
बनाकर रेडी कर लेंगे। एक बैच हमारा बन गया था, हम आपको इसकी आवाज भी सुनाते हैं। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, ये देखिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।